यहाँ कहानी है 1784 की, जब भारत के आदिवासी इलाकों में एक असाधारण घटना घटित होने वाली थी। भारत पर अंग्रेजों का राज था और उनकी नीतियों ने देश के हर कोने में असंतोष पैदा कर दिया था। लेकिन इस बार विद्रोह की आग जंगलों में भड़क रही थी। संताल परगना के इलाकों में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से और विद्रोह की लहर धीरे धीरे उठ रही थी। हर कोने में एक ही नाम गूंज रहा था, तिलका मांझी। तिलका मांझी एक आदिवासी नेता जिन्होंने अंग्रेजों की क्रूरता और जमीन के शोषण के खिलाफ हथियार उठाने का संकल्प लिया। लेकिन यहाँ विद्रोह साधारण नहीं था, इसके पीछे कहीं रहस्य और घटनाएं छिपी थी। 1770 में आए भयंकर अकाल ने लोगों को बेहाल कर दिया था। अंग्रेजों की नीतियों ने स्थिति और भी बदतर बना दिया। लोगों की जमीन छीन ली गई और अंग्रेजों ने उन्हें बंधुआ मजदूर बनने पर मजबूर कर दिया। आदिवासी इलाकों में भूख और पीड़ा का आलम था। यही वो वक्त था जब तिलका मांझी ने ठान लिया कि अब और नहीं, अंग्रेजों की हरकतों के खिलाफ आदिवासी समाज को एकजुट करना उनकी पहली प्राथमिकता बन गई। तिलका मांझी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और लोगों को संगठित करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने एक मजबूत आदिवासी सेना खड़ी कर दी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने को तैयार थी। इस लड़ाई का पहला झटका तब लगा जब तिलका मांझी ने अपनी सेना के साथ अंग्रेजों के काफिले पर हमला किया और उन्हें धूल चटा दी। जब अंग्रेज को इस विद्रोह का पता चला तो उन्होंने इसे कुचलने की कहीं चालें चली। उन्होंने तिलका मांझी को पकड़ने के लिए एक बड़ा जाल बिछाया, लेकिन तिलका मांझी की चालाकी और उनके सैनिकों की बहादुरी के आगे अंग्रेजों की हर चाल नाकाम रही। परंतु इस संघर्ष की आग तब और भड़क गई जब तिलका मांझी ने एक अंग्रेज अधिकारी को मार गिराया। यहाँ खबर पूरे अंग्रेज प्रशासन में आग की तरह फैल गई। अंग्रेज तिलका मांझी से बुरी तरह घबरा गए थे। अब उनके सामने तिलका को मार गिराने का एक ही मात्र उपाय था। 1784 में अंग्रेजों ने तिलका मांझी को घेरने के लिए एक विशाल सेना भेजी। कई दिनों तक जंगलों में संघर्ष चलता रहा। तिलका मांझी और उनकी सेना ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन अंग्रेजों की संख्या और हथियारों के आगे अंततः तिलका मांझी को पकड़ लिया गया। उन्हें भागलपुर ले जाया गया जहां उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 1785 में उसी पेड़ पर तिलका मांझी को लटका दिया गया था। तिलका मांझी की मौत ने विद्रोह की आग को बुझाया नहीं बल्कि उसे और भड़काया। उनके बलिदान को आदिवासी समाज कभी भूल नहीं सकता। अंग्रेजों ने भले ही तिलका मांझी को खत्म कर दिया था, लेकिन उनके विचार और संघर्ष की भावना जीवित रही। भारत के स्वतंत्र होने के बाद उसी स्थान पर एक प्रतिमा स्थापित की गई जहां उन्हें फांसी दी गई थी। उनके सम्मान में भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कर दिया गया। इस प्रकार बाबा तिलका मांझी का नाम हमेशा उन महान योद्धाओं में गिना जाएगा जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी थी। उनका संघर्ष हमें यहाँ सिखाता है कि अत्याचार के खिलाफ कड़ा होना ही सच्ची आज़ादी और पहला कदम है। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो मिलती रहे।